अध्यक्ष के लिए जो मतदान हो रहा है इसमें क्या कहना चाहेंगे? जिला पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को जनता ने हराया है और बीजेपी अब बौखलाहट में है, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी भारी संख्या में जीते हैं, आज हरदोई जनपद में चुनाव हो रहा है और हरदोई जनपद में बीजेपी हारी है, पूरे प्रदेश में हारी है बीजेपी। अब वो कप्तानों और कलेक्टरों के माध्यम से और कोतवालों के माध्यम से बीजेपी जीतना चाहती है। हमारे जिला पंचायत कई सदस्यों का अपहरण कर लिया गया, कई लोगों को रात में उठा लिया गया और जिस तरीके से ज़बरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करके वोट डलवाए जा रहे हैं, कई मेंबरों के खिलाफ FIR लिख दी और कई जो उनके समर्थक हैं उनके ऊपर FIR लिख दी गई और कई हमारे जो प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं उनको जिला बदर तक करने का काम किया गया। लगातार बीजेपी हरदोई जनपद में बीजेपी हारी है, बीजेपी के कम जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी ज़बरदस्ती अपने कलेक्टर और कप्तान के माध्यम से अपहरण कराया है। पहली बार मुझे सुनने में आया है कि पुलिस कप्तान और कोतवाल अपहरण कर रहे हैं वोटरों का, और ये जनता देख रही है 2022 में बताएगी। जिस तरीके से जनता ने ठान लिया है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बौखलाहट है बीजेपी की। जबरदस्ती डेलीगेट को धमका के, रात में धमकाया गया, कई जगह कोतवालों ने उठा लिया रात में, ये लोकतंत्र में ये हो रहा है? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही, ये कहाँ लोकतंत्र है बीजेपी में? बीजेपी ने लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया है और इस बीजेपी के अन्याय अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी और अंतिम समय तक लड़ती रहेगी। इस अन्याय के खिलाफ अन्य पार्टियों ने तो शस्त्र डाल दिए हैं, कोई नहीं लड़ रहा, केवल समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है और मुकाबला करती रहेगी और इनको जब तक सत्ता से बेदखल नहीं कर देगी तब तक समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लड़ते रहेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से उनकी निष्पक्ष छवि है, जिस तरीके से उनके काम है और उन ये बीजेपी घबराई हुई है, माननीय अखिलेश यादव जी से घबराई हुई है, माननीय अखिलेश यादव जी के बढ़ते हुए जनाधार से घबराई हुई है, जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा है माननीय अखिलेश यादव जी का, उससे बौखलाई हुई बीजेपी अब कप्तानों और कलेक्टरों के माध्यम से जिला पंचायत जीतना चाहती है। और पहली बार मैंने देखा है कि उस उत्तर प्रदेश में कलेक्टर और कप्तान अपहरण कर रहे हैं मतदाताओं का, लेकिन जनता जवाब देगी 2022 में। आपको क्या लग रहा है, आपको पता है ये हासिल कर पाएगा, क्या लग रहा है? इन्होंने रात में हमारे ये बीजेपी के पास कहाँ जीते थे, आपने भी छापा था पेपरों में कि बीजेपी के कम जीते हैं समाजवादी पार्टी के ज़्यादा जीते हैं, आप पेपरों में छापे गए, लोगों सबने छापा, लेकिन अब ये इसीलिए तो उन्होंने अपने कोतवालों को लगाया, क्यों FIR लिखवा रहे हैं, क्यों नहीं निष्पक्ष चुनाव करा दें? निष्पक्ष चुनाव चल रहा, अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए इस उत्तर प्रदेश में और हरदोई में कन्नौज में जितनी जगह चाहे सब जगह अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए बीजेपी धूल चाट जाएगी, बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये कलेक्टर और कप्तान अब चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी नहीं चुनाव लड़ रही है। सपा का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला था, लेकिन उसमें क्या आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग कई बार गए, निर्वाचन आयोग से भी उम्मीद थी कि निर्वाचन निष्पक्ष हो जाएगा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पता नहीं कैसे निर्देश भेजे जो उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा। हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से मांग की, DGP से मांग की, सबसे मांग की, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तहस नहस, अघोषित इमरजेंसी है इस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आप वोट नहीं डाल सकते, सब अपहरण कर लिए गए, मैंने अभी सुबह देखा अपहरण करके लाए गए मतदाता, रात में थानेदार लगा के उठाए गए, जो हमारे दल के थे उनको जबरदस्ती मुकदमे और धमकाया गया है, मुकदमे लगाए गए, प्रताड़ित किया गया, कई हमारे प्रत्याशियों के घर में लूटपाट की गई है, सिविल ड्रेस में पुलिस घुसी है, उनके कहाँ जेवरात तक लूट लिए, कई हमारी एक महिला सदस्य है उसके घर में घुस गए, उसको मारा पीटा धमकाया, उसके बाद में भी हमारा जो प्रत्याशी है दलित है गरीब है, माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने एक दलित गरीब महिला को प्रत्याशी बनाया, अब उसको कोई उद्योगपति लड़ाएंगे उसके खिलाफ? ये करोड़ों रुपए इनके पास तब कहाँ चला गया था जब लोग ऑक्सीजन की वजह से तड़प तड़प के मर रहे थे, जब लोग दवाई की वजह से तड़प तड़प के मर रहे थे, अब करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं बीजेपी के लोग, ये कहाँ से आया बीजेपी के पास से पैसा? ये चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए आ जाएगा, गांव गरीब जब मर रहा था तब कोई मदद नहीं करने वाला था,
इसलिए इस बीजेपी के अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी, हर मोर्चे पर लड़ती रहेगी, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी।